ने सब जवानों को लिया बुलाए, सात पान का बीड़ा लेकर सोने का दिया बरक लगाए, तखत पे धर करके बीड़ा को ताला ने फिर कहा सुनाए कि कौन सूरमा है महोबे का जो बीड़े को जाए चवाए, वो जाकर खबर करे राजा को ब्याहने आए बना फल लाए। इतनी बात सुनी ताला की सबने गर्दन लई झुकाए, ओ कोई कुरेदे है धरती को कोई अंबर को रहा लखाए, आपस में सब सुर सुर कर रहे कोई बीड़े को देखे नाए, और यह गत देखी जब जवानों की कहने लगा तलन सीराए कि किसके पहरे धांधू देखे यह सर पड़ी तुम्हारे आए, और एक बात तुझे और बताऊं धांधू सुन ले कान लगाए। जो पहले बारी ले आवे उसका पहले ब्याह हो जाए, बारी ले जाओ तुम धांधू अब क्यों रखी देर लगाए, पहले ब्याह करूंगा तेरा कुछ क्यों ना हो भी अब जाए, और इतनी सुनकर धांधू उठा अपने बांध लिए हथियार, ओ बारी लेकर धांधू चल दिया पलकी नहीं लगाई बार, ओ हुक्म पाए करके ताला का धांधू चल दिया कूच कराए, और कोई घड़ी के अब अरसे में पहुंचा नैनागढ़ में जाए, और जहां कचहरी राघव मच्छ की दाखिल हुआ वहां पर जाए। खबर लाया हूं मैं बारात की ब्याह ने आए बना फल राय, और इतनी सुनकर राघव मच्छ के गुस्सा भरा बदन में जाए, जलकट राजा रावट हो गया ज्यों बारूद में आग लग जाए, ओ धर ललकार दई राजा ने और राजा से कहा सुनाए कि जल्दी जाओ दरवाजे पर अपने लो हथियार लगाए, ओ खबर करन को धांधू आया ब्याह ने आए बना फल राय। ऐसा मारो उस पाजी को ढूंढा खोज मिलेगा ना, इतनी सुनकर जोधा उठा अपने लिए हथियार लगाए, 600 जवान को संग में लेकर जोगा ने दिया कूच कराए, और बाहर आया है बंगले के दरवाजे पर पहुंचा जाए, देख के सूरत नर धांधू की जोगा काल वरण हो जाए, और धर ललकारा फिर जोगा ने और धांधू से कहा सुनाए, क्यों कम बख्ती ने घेरा है क्या जम चढ़े भुजों पर आए, ओ काल गरासी ने धर दावा क्यों तेरी मौत रही पुकराए, अरे भग जा तू बंगले से अपनी ले जा जान बचाए, और इतनी सुनकर धांधू बोला और राजा से कहा सुनाए कि गर्भ की वाणी को मत बोले कर भी तेरा बुरा हो जाए, और तुझको जो करना सो कर ले किसको रहा है अकड़ दिखाए, अरे पहले बार तू अपना कर ले दिल का ले अरमान मिटाए। इतनी सुनकर जोगा जल गया और जवानों से कहा सुनाए कि बाप लगे क्या बह बहनोई
जो तुम कुछ कहते हो नाय। पकड़ो पकड़ो इस पाजी को, मत कहीं भाग यहाँ से जाए। और इतनी सुनकर झुके सूरमा, एक ही संग पड़े अड़ राय। और बीच में घेर लिया धांधू को, दीनी मार ही मार मचाए। और जैसे बादल में जल गरजे, ऊपर घटा जोर कर जाए। चौतरफा से घिर गया धांधू, टोडर मल का राजकुमार। 600 जवानों के हल्ले में धांधू कर रहा मार ही मार। 600 जवानों के हल्ले में क्या इकले की पार बसाए। और मार देख कर उन जवानों की, घबरा गया चमेला राय। और घोड़ा बोला जब धांधू का, और धांधू से कहा सुनाए। कि गीदड़ मौत मरू क्यों यहाँ पर, ओ महाराज बना फल राय। और समल के बैठो मेरी काठी पर, अपने मन में मत घबराए। चार को मारूं चारों टाप से, पांचवा मोह से जाऊं चबाए। और इतनी बात सुनी घोड़े की, धांधू काल बरन हो जाए। छोड़ आसरा जिंदगानी का, घोड़ा आगे दिया बढ़ाए। और छठा सातवा धांधू मारे, आठवा दहशत से मर जाए। और ऐसी मार दई धांधू ने, तलपुला सा दिया बिछाए। के मारता जावे बढ़ता जावे, शंका करे काल की नाय। और 600 जवानों के हल्ले में, जवान 300 दिए खपाए। पड़ गया जोगा फिर आगे को, सांग हाथ में लई उठाए। ओ मारी घुमा कर दोनों हाथ से, और धांधू पर दई चलाए। बड़ा खिलाड़ी पटेबाज था, जिसका धांधू नाम कहाए। और आती सांग देख दुश्मन की, अपना घोड़ा दिया घुमाए। ये आप बचा घोड़े को बचाया, दुश्मन का दिया बार चुकाए। ओ खाली सांग जमी जोगों की, धांधू का कुछ बिगड़ा ना है। धर ललकारा फिर धांधू ने, और जोगा से कहा सुनाए। के अपने अपने लड़ो आसरे, बार हमारा पहुंचा आए। हमने बार तुम्हारा झेला, अब तुम सहो हमारा बार। और इतनी कह कर के धांधू ने, नंगी सूत लई तलवार। इमारा घुमा कर तेगा धांधू ने, और जोगा पर दिया चलाए। और ऊट पकड़ कर गया कल से की, और मुह पर ली ढाल अड़ाए। गद्दी काट दई मखमल की, ढाल के टुकड़े दिए उड़ाए। 7-5 तीरे के कट गए, जो भर माथे में गड़ जाए। जब ये जान लिया जोगा ने, अब धांधू छोड़ेगा ना। तो हाथी फेर दिया जोगा ने, और पीछे को लिया हटाए। और यह ढंग देखा जब धांधू ने, घोड़े को दी एड़ लगाए। उड़ गया घोड़ा फिर धांधू का, आसमान में पहुंचा जाए। और उतरा घोड़ा फिर धांधू का, अपने लश्कर पहुंचा जाए। सूरत देखी जब धांधू की, सब खुश हो गए बना फल राय। और शीश झुका करके ताला को, धांधू पास में बैठा जाए। और भूला सैयद फिर धांधू से, बेरा बिरे धमेला राय। और क्यागत बीती ने नागढ़ में, हमको हाल देव बतलाए।
यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो, अब आगे का सुनो बयान। ये जोड़ कचहरी राघव मच्छ ने सब जवानों को लिया बुलाए, वो बोला राजा फिर बंगले में और जवानों से कहा सुनाए। कैसे जीते अब दुश्मन से जिनकी जात बना फल राय, और मुझको अगवाए सूझे है अब यहाँ खैर रहेगी नाय। और ये गत हो जाए ने नागढ़ की जानो बसा भूम पर नाय, और डोला देकर मछला देखो नैनागढ़ को ले बचाए। जब से बात सुनी राजा की जोगा भरा रोष में जाए, और गरजा जोगा फिर बंगले में और राजा से कहा सुनाए। मैं देखूंगा उन धवलों को जिनकी जात बना फल लाए, और इतना कह कर के जोगा ने अपने बांध लिए हथियार। उधर ललकारा फिर जवानों को और जोगा ने कहा पुकार, के जितना लसगर है जोगा का सब दल कमर बंद हो जाए। इतनी सुनकर उठे सूरमा सबने लिए हथियार लगाए, हाथी चढ़ैया चढ़े हाथी पर और घोड़ों पे चढ़े असवार। पैदल पलटन और रसाला आगे चले छड़ी बरदार, और कोई घड़ी रस्ते में बीती रणखेतों में पहुंचा जाए। और झंडा गाड़ दिया जोगा ने जिसकी ध्वजा रही फहराए। खबर पहुंच गई बना फलों पर जोगा खेत बुहार आया है, वो बोला तालवा फिर लसगर में और जवानों को कहा सुनाए। जोगा आया है मोड़े पर अपना खेत बुहारा आए, अरे कौन सा जोगा है महोबी का जो दुश्मन के सामने जाए। और इतनी सुनकर मलखे बोला और सैयद से कहा सुनाए, के पहला नेंग होए जवानों का चाचा सुनो तलन सी राय। ये हुक्म सुना दो तुम जवानों को अपना खेत बुहारे जाए। बैठे रहियो तुम लसगर में तुमको कौन पड़ी परवाह, और मैं देखूंगा उस जोगा को जिसकी दहशत तुम्हें सिवाय। इतनी कह कर सियानंद ने अपने बांध लिए हथियार, उधर ललकारा फिर जवानों को सियानंद ने कहा सुनाए, कि जितना लसगर सियानंद का सब दल कमर बंद हो जाए। वो बरनी हो गई रन खेतों को अपने लो हथियार लगाए, बोला उदल से फिर धांधू भैया सुनो उदय चंद्राय। ओ बड़ा लड़ाका वो जोगा है बहना बचे सियानंद राय। इकला सियानंद जाता है मोड़े पर ना पार बसाए, ओ मुझको अगवा ये सूझे है बहना बचे सियानंद राय। इस साथ में भेजो किसी और को या तुम जाओ उदय चंद राय। ओ घेरा जो देखो सियानंद को उसको धीर बंधाना जाए। यह मन मान गई उदल के और हृदय में गई समाए, फिर जल्दी से नर उदल ने अपने लिए हथियार लगाए। पकड़ बक्सुगा रस बेंदुल का उस पर चढ़ा उदय चंद राय, और कूच का डंका बजवा दीना सियानंद लसगर में जाए। अरे आगे लसगर सियानंद का पीछे चला उदय चंद राय, और कोई घड़ी के अब अरसे में रणखेतों में पहुंचा जाए। और उदल ठहर गया पीछे को सियानंद बढ़ गया अंगार, और जोगा वाले जा मोड़े
पर सियानंद ने दी ललकार के समल समल ने नागढ़ वाली अब तेरी मौत पुकारी आए ओ समल समल ने नागढ़ वाली अब तेरी मौत पुकारी आए। आनंद वाले मोड़े पर अब तेरी जान बचेगी ना इतनी सुनकर जोगा जल गया सियानंद से कहा सुनाए क्यों धवलों का टोटा हो गया क्या कोई रहा सुरमा नाय ओ काल के मोड़े तुमको भेजा क्यों नहीं आए बना फल राय अरे भाग जा तू खेतों से ले जाए अपनी जान बचाए और इतनी सुनकर सियानंद ने फिर जोगा से कहा सुनाए के गर्भ की वाणी मत ना बोले गर्भ किसी का रहता नाय ओ गर्भ किया था उस रावण ने जिसको राम ने दिया मिटाए गर्भ किया था उस सागर ने उस जल का खारा हो जाए ओ गर्भ किया था दुःशासन ने कृष्ण ने दीना गर्भ मिटाए ओ गर्भ किया था उस बाली ने राम ने जिसको दिया समाए ओ गर्भ किया था हिरण्याकश ने फिर राम से लिया लगाए। ऐसे ही गर्भ मिटेगा तेरा गर्भी रहा तू गर्भ में छाए और ये मत जाने अपने दिल में है कोई मेरे बराबर नाए बात बात में बतबड़ हो गई और बातों में हुई तकरार और दोनों जोधा झुके बराबर नंगी सूत लई तलवार ये हुक्म सुनाया फिर दोनों ने जवानों को दिया हुक्म सुनाए पड़े पलीता मेरी तोपों में अब क्यों राखी देर लगाए यहाँ से तोप चली जोगा की वहां से चली बना फल राय और दोनों ओर की तोपे छूटी धुंध काल सा दिया मचाए अरे ये सी मार हुई तोपों की जिसका हाल कहा ना जाए वो तोप लड़ाई फिर बंद कर दी सबने लई बंदूकें उठाए। के माफिक गोली बरसे धरती भंवर पली पड़ जाए वो सात कदम जब रहा फासला सबने लिए ले तीर कमान चली कमाने फिर मुल्तानी गोसा मिला कान तक जाए वो मासो खड़ गए हैं चुटकी के उसने तीर दए हैं नाय वो सौ सौ तीरों के तरकस थे सब जवानों ने दिए चलाए चली सरोही मांसाहारी कोटा बूंदी की तलवार ओ सांगे चल रही नित्यागढ़ की जिनके लगे निकल जाए पार चली गोलिया पानी पत का जिसके लगे निकल जाए बार ओ लंबी सैफ आगरे वाली जिसपे छह अंगुल की धार लगी मगर भी आयन गरबी जिसकी मार सही ना जाए ओ कत्ता चला विलायत वाला जो काया में जाए समाए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ चले तलवार और ऐसी मार हुई दोनों में बहने लगी खून की धार। बढ़ गया जोगा फिर आगे को सिया के डटा सामने जाए वो धर ललकारा फिर जोगा ने सियानंद से कहा सुनाए मारी घुमा कर दोनों हाथ से और जोगा ने दई चलाए ये हट गया पीछे सियानंद जब खाली गिरी सरोही जाए ओ भाला लेकर फिर जोगा ने सियानंद पर दिया झुकाए तो हट गया पीछे सियानंद जब खाली गिरी सरोही आए। भुजबल में जा बैठा सियानंद के घाव हो जाए
मार के देख करके जोगा की घबरा गया सियानंद राय। घबराया देखा सियानंद को उदल मन में करता ख्याल, तो घोड़ा बढ़ा कर फिर उदल ने बीच लड़ाई में पहुंचा जाए। और ऐसे घर जाए नर उदल जैसे सिर तड़ेड़ा खाए, के झपट के बढ़ गया उदल आगे सियानंद पर पहुंचा जाए। वो हाथ पकड़ कर सियानंद का फिर पीछे को दिया हटाए, धर ललकारा फिर उदल ने और जोगा से कहा सुनाए के संभल जा अब तो नैनागढ़ वाले, अब तेरा काल विराजा आए। वो धोखे ना रही हो सियानंद के, है मेरा नाम उदय चंद राय। बोला फिर जोगा से राघो मच्छ के राजकुमार, ओ फिर पीछे तू पछताएगा पहले कर ले अपना बार। इतनी बात सुनी उदल की जोगा काल वरण हो जाए, ओ बारह मन की सांग सनीचर फिर जोगा ने लई उठाए। ओ दांत बीच कर दोनों हाथ से फिर उदल पर दई झुकाए, और आती सांग देख उदल ने अपना घोड़ा दिया घुमाए। दाहिने से झटवाए हो गया बार सांग का दिया बचाए, दाहिने से घोड़ा बाए हो गया बार सांग का दिया बचाए। ललकारा फिर उदल ने और जोगा से कहा पुकार के हमने बार तुम्हारा झेला, अब तुम सहो हमारा बार। सूत पीतेगा नर उदल ने घोड़ा आगे दिया बढ़ाए, तो पिछली टाप रही धरती पर जो होदे पर धरी जमाए, के रस्ते काट दिए होदे के होदा गिरा धरन पर जाए। और नीचे जोगा ऊपर होदा दोनों लोट पोट हो जाए, और जब तक जोगा संभल न पाया जा उदल ने लिया दवाए। और पकड़ टेटुगा लिया जोगा का और छाती पर बैठा जाए। मन मान गई उदल के और हृदय में गई समाए, कैद कर लिया है जोगा को उल्टे लीने दंड कसाए। कैद में करके फिर जोगा को लेकर चला उदय चंद राय, वो कोई घड़ी के अब अरसे में अपने दल में पहुंचा जाए। वो कैद में देखा जब जोगा को सब तो हुए बना फल राय, वो कैद में देखा जब जोगा को सब खुश हुए बना फल राय। उस बिगड़ गए राघो मच्छ के मुँह से बोल निकलता ना, झपट के उठा अमर सिंह और फिर राजा से लिया उठाए। के बैठी रहो तुम बेफिक्री से, तुमको कौन पड़ी परवाह, और मैं देखूंगा उन बाजियों को जिनकी जात बना फल राय। और कूंच नकारे को बजवा कर सबने कूंच दिया करवाए, और चल पड़ा लश्कर अमर सिंह का आगे बढ़ा सड़क पर जाए। गर्जा अमर सिंह ललकारा और मोड़े पर कहा सुनाए, कौन सूरमा है मोहबे का ओटे अमर सिंह का बार। जहां मोर्चा अमर सिंह का उसके डटा सामने जाए, उधर ललकारा इंद्रजीत ने अमर सिंह से कहा सुनाए, कि क्यों मरवावे है जवानों को क्यों लश्कर को रहा खपाए। लड़े भिड़े में नहीं फायदा तुमको नफा मिलेगा ना, और डूला दे दो तुम मछला का झगड़ा रार सतम हो जाए।
ललकारा अमर सिंह ने पाजी खबरदार हो जाए क्यों कम बख्ती ने घेरा है क्यों जम चढ़े भुजों पर आए। इतनी सुनकर अमर सिंह से बोला भोरी सिंह का लाल के गर्व की बानी मत ना बोले गर्व में तेरा देऊ निकाल। इतनी कहकर इंद्रजीत ने हाथ सरोही लई उठाए मारी घुमा कर दोनों हाथ से अमर सिंह पर दही झुकाए। वो आती चोट देख दुश्मन की वह बैठा होदे में जाए और ऊट पकड़ गया है कल से की और मुह पर ली ढाल अड़ाए। वो गुस्सा खाकर अमर सिंह ने हाथ में भाला लिया उठाए और मारा घुमा कर अमर सिंह ने इंद्रजीत पर दिया झुकाए। यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो अब आगे का सुनो बयान के मलखे घूम रहा नाके पर इंद्रजीत उसे पड़ा दिखाए। तो घाव देख कर इंद्रजीत का मलखे गया सना का खाए। ओ मलखे बोला फिर ब्रह्मा से भैया सुन ले कान लगाए अमर सिंह के अब मोड़े पर इंद्रजीत ने मानी हार और इतनी सुनकर अब तो बोला अपने लिए हथियार लगाए। चढ़ घोड़े पर ऐठा ब्रह्मा फिर कुछ देर लगाई ना कोई घड़ी के अब अरसे में रण खेतों में पहुंचा जाए। सूत के तेगा फिर ब्रह्मा ने अमर सिंह पर दया झुकाए वो छतरी काटी डंडे काटे चारों कल से दिए गिराए। काट जंजीरे ओनी होती होदा गिरा धरन में जाए वो नीचे जोधा ऊपर होदा दोनों लूट पोट हो जाए। जब तक समला नहीं अमर सिंह जा ब्रह्मा ने लिया दवाए सूत कटारी दखन वाली और गर्दन पर दही चलाए। मार गिरा दिया अमर सिंह को सारा खटका दिया मिटाए ओ मार गिरा दिया अमर सिंह को सारा खटका दिया मिटाए। नागढ़ की विकट लड़ाई पंचो सुनी है चित को धार दीपक सेठ कन्हैया कैसे करें रिकॉर्डिंग बड़े होशियार। आला खंड की सबई लड़ाई दीपक सेठ करी तैयार ओ पाठक गाते मस्त मगन हो सुनते रुच से सब नर नार। पाठक गाते मस्त मगन हो सुनते रुच से सब नर नार ओ पाठक गाते मस्त मगन हो सुनते रुच से सब नर नार।